आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो फाइनली जो है हम इस वीडियो से अपना कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की निचोड़ 2.0 को। इसमें हम इस वीडियो में क्या देखेंगे भाई, चैप्टर नंबर 16 से लेकर के 21 तक का, मीन्स इस वीडियो के बाद से हमारा जो है पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप बाकी चैप्टर्स का मीन्स 1 से लेकर के 15 तक का नहीं देखे तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप 1 क्लिक में जा करके देख पाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में चैप्टर नंबर 16 लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन से। यहां से भाई आपके टोटल 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें सिर्फ 1 मार्क्स की एक क्वेश्चन, 3 एंड 5 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है शांति आंदोलन के 3 उद्देश्य लिखे करके। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2023 में जो है आ रखे थे। कुछ क्वेश्चन जो है टाइप करते वक्त, जो है सिलेक्शन करते वक्त जो क्वेश्चन दिखे, तो कुछ क्वेश्चन को इसमें रखा गया है ताकि आपको बताते बन जाए कि पिछले ईयर में ये क्वेश्चन जो है आ रखी है, तो आप इस क्वेश्चन को इस बार के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको, निशस्त्रीकरण को समझाइए, परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखना है आपको, सूचना के अधिकार का क्या लाभ है। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन हुआ। फिर हमारा आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला जा रहा है कि सामाजिक आंदोलन में जन सहभागिता को कैसे प्रभावित करती है उसको बताना है, मतलब सामाजिक आंदोलन में जो लोकतंत्र होते हैं वो जन सहभागिता को कैसे प्रभावित करता है, आपको 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है। फिर नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किसके निर्णय से हुई उसको बताना है आपको। फिर क्या आपके क्षेत्र में मजदूरी संबंधित समस्याएं हैं लिखना है आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा लास्ट 3 क्वेश्चन, जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया ये बताना है। फिर कमेटी ऑफ 100 ब्रिटेन में शांति आंदोलन के सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर पाए उसको बताना है। फिर सूचना के अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से क्या क्या सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, सूचना के अधिकार के तहत मतलब कोई भी जानता है तो अपने पंचायत से क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में लिखा है। तो ये 10 क्वेश्चन है जिसमें से ऑलरेडी 1 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे, इसलिए यहाँ टोटल आपका 9 क्वेश्चन है जिसको प्रिपेयर करना है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या जन सुनवाई से जनता, ये जनता है ठीक है, ज्यादा लिखा हुआ, जो जनता को हुए अनुभव को लिखना है, कोई 5 अनुभव को। ठीक है, फिर परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखना है, कम से कम 5 नुकसान को यहाँ पर भी लिख देना है। फिर आपको नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और है, क्या सामाजिक आंदोलन क्या है, यह आंदोलन क्यों होता है, 5 मार्क्स के लिए बताना है। फिर नियमगिरी आंदोलन को विस्तार से वर्णन करना है 5 मार्क्स के लिए। ठीक, फिर शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, मतलब शांति आंदोलन में जो लोग शामिल है अशांति ना फैले करके, मतलब कोई भगदड़ ना हो करके क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे उसको लिखना है। आपके विचार में देशों के बीच शांति होना जरूरी है, क्यों जरूरी है इस चीज़ को आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर 16 कंप्लीट। उतना क्वेश्चन कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। फिर हम चलते अगले चैप्टर हमारे अध्याय 17, जहाँ से विकास की समझ में से आपके 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1, 2 एंड 4 मार्क्स करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। तो 2 मार्क्स वाले को है, विकास को मापने के 2 संकेतकों के नाम लिखना है कि विकास आखिर आप किस क्या क्या होने से आप विकास बोलोगे, कि ऐसा क्या चीज़ हो जाएगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे गाँव में, मेरे देश में, मेरे राज्य में विकास हुआ है करके, वो आपको बताना है। फिर साक्षरता दर क्या क्या दर्शाती, मतलब हमें साक्षरता दर से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती वो लिखना है। फिर आपके विचार में विकास क्या है, आप किसको विकास बोलते हो ये आपको लिखना है। फिर पिछले ईयर में ये क्वेश्चन आ रखे 2023 में, सकल घरेलू उत्पादन का अर्थ आपको बताना है कि सकल घरेलू उत्पादन का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन पिछले ईयर में आ रखे, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। फिर उपभोग व्यय क्या होता है ये करना है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है ये बताना है। फिर शिक्षा किसी देश के विकास के लिए क्यों आवश्यक है ये करना है। फिर दिहाड़ी मजदूर की दृष्टि से विकास से क्या लक्ष्य है उसको बताना है। फिर जीवन प्रत्याशा क्या है ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। और लगभग आप देखना यही क्वेश्चंस आपको जो मॉडल पेपर, कई बच्चे मॉडल पेपर के इंतजार में है ना, इन क्वेश्चंस पर बिलीव नहीं हो रहा है,
तो मैं अभी भी बोलता हूँ जिनको भी बिलीव नहीं हो रहा है वो अपने टीचर से एक बार पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की टाइम है ना, लाइफ की सवाल है कहा जाए, मतलब आपके फ्यूचर की सवाल है, इसलिए आप एक बार टीचर से भी कन्फर्म कर लेंगे, पूछ लेंगे और हमें भी आकर के ज़रूर बताएंगे कि टीचर क्या इन क्वेश्चंस के लिए बोले हैं, क्या बताए हैं, इसमें से क्या क्वेश्चंस को नहीं होना चाहिए, क्या और होना चाहिए, तो वो ज़रूर चीज़ कमेंट में आकर के हमसे बताएंगे। फिर देश के विकास के सूचक क्या, ये आपको नहीं करना है। फिर फोर मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होती है। फोर मार्क्स वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आर्थिक विकास से क्या आशा है, किसी भी देश की आर्थिक विकास को मापने के लिए किन किन सूचकों का प्रयोग किया जाता है उसकी व्याख्या करना है। फिर महिला शिक्षा के विकास के लिए उत्तम उपाय क्या क्या हो सकते हैं, कि आखिर महिलाओं की शिक्षा के लिए हम क्या क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, इसको बताना है। फिर तीसरा, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से सार्वजनिक हितों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये थ्री क्वेश्चन हो गया। फिर तीन क्वेश्चन और है भाई आपके पास, क्या सार्वजनिक सुविधाओं का क्या क्या आवश्यकता है उसको भी लिखना है। फिर एक अनुच्छेद लिखना है कि भारत की कैसे विकसित, कि भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है, आप भारत को कैसे एक विकासशील देश बना सकते हैं उस पर लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर में है, कि महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या क्या, देखो शब्द बदला है बट वही क्वेश्चन फिर से रिपीट यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक। फिर हमारे 18वां चैप्टर की बात करें तो यहाँ से आपको क्या क्या करना है फटाफट नोट करते चलिए, यहाँ से क्या क्या पूछे जाएंगे आपका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्रेडिट कार्ड क्या है ये बताना है। फिर बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं तो खातों के प्रकार बताने। यहाँ पर 30 वर्ष बाद मुद्रा के नए स्वरूप हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अपने विचार यहाँ पर रखना है कि क्या आपके हिसाब से क्या हो सकता है। फिर मुद्रा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। फिर साख से क्या आशा है, मुद्रा निर्गमन क्या होता है, बाजार से क्या आशा है ये करना है, चेक क्या होता है ये कर लेना है, मांग जमा राशि क्या होती है, सिक्कों के प्रचलन के पूर्व में व्यापार कैसे होता था ये करना है, इतना क्वेश्चन आपको कर लेना है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात करें तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप को बताना है कि पहले कैसे होते थे उसके स्वरूप और अभी कैसे। फिर ऋण की सुविधा वाले और ये दोनों क्वेश्चन और ये तीनों क्वेश्चन बोला जाए तो नीचे की क्वेश्चन तो सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रखिए या कॉपी में नोट करते चलिए, आपको खुद का सभी वीडियो को देखोगे तो आपका खुद का एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, जहां से मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को और देख लेना, जो भी सैंपल पेपर हम आगे प्रोवाइड कराएंगे इन क्वेश्चंस को आप देखोगे ही देखोगे, मॉडल पेपर जो भी आएगा वो उसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 की बात करें, सरकारी बजट और कर निर्धारण, यहां से भी देखो 1-1 मार्क्स करके, 2-2 करके और 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो छोटे क्वेश्चन इसमें देखो ज्यादा करना पड़ेगा। तो देखो क्या पूछा जा रहा है, सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया कराने और अन्य गतिविधियों के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आती है वो बताना है। सरकार द्वारा किए जाने वाले कुल सार्वजनिक व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि करती है क्यों उसको बताना है। फिर सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य जो गरीबी कम करने से सीधे जुड़े हुए इस चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को इसमें से प्रिपेयर करना ही है, ठीक। लास्ट का 2 क्वेश्चन आ रखे उसको छोड़ देना, तो इस तरीके से जो छोटे क्वेश्चन बाकी रह जाते हैं उन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करेंगे। फिर 4 अंक वाले क्वेश्चंस की बात करें तो देख लेते हैं भाई, सरकार कैसे कौन कौन से, देखो ये 2 मार्क्स के लिए भी पूछेंगे तो आपको उसके हिसाब से लिखना, बट 4 मार्क्स के लिए भी पूछेंगे तो आपको उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। फिर कर संग्रहण का सीधा प्रभाव सरकार के खर्चे पर कैसे पड़ता है वो लिखना है। फिर सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है, बजट में करों की चर्चा क्यों की जाती है उसको बताना है, ठीक है। फिर ये लास्ट 5 क्वेश्चन जिसको आपको प्रिपेयर करना है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लेंगे और इन क्वेश्चंस के प्रिपरेशन जरूर करेंगे। फिर हमारा आता है 20वां चैप्टर, फिर खाद्य सुरक्षा, यहाँ से भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जैसे कि खाद्य सुरक्षा की 3 प्रमुख आयाम कौन सी, प्रीवियस ईयर में आ रखे, तो फिर अदृश्य भूख क्या है करके पिछले ईयर में आ रखे थे, इस बार आप दीर्घकालीन भूख कर लेंगे, छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा कब बना इस तरीके से। फिर ये बफर स्टॉक को तो करना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या आशा है, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे 3 मार्क्स के लिए, तो 3 मार्क्स के लिए इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे, जैसे कि अकाल निर्मित भूख और दीर्घकालीन भूख में क्या अंतर है वो करना है। फिर गरीब वर्ग खाद्यान्नों पर कम खर्च क्यों करता है ये करना है। फिर बफर स्टॉक को तो छोड़ सकते हो। फिर संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है, इसके 3 कारण आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा, अगर इतने जितना भी क्वेश्चंस बाकी है हाईलाइटेड क्वेश्चंस के छोड़, इन सबको करोगे तो इस चैप्टर का भी प्रिपरेशन आपका
हो जाता है। अब जो है हम पहुंचने वाले किस में भाई, सामाजिक विज्ञान के हमारे लास्ट चैप्टर वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण से देखो 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 3 मार्क्स की क्वेश्चंस देखते हैं। विदेशी व्यापार और विदेशी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, विदेशी व्यापार और देसी व्यापार है, ठीक है। देसी और विदेशी व्यापार में क्या अंतर है उसको लिखना है। फिर माल मॉल अथवा शॉपिंग मॉल में अंतर आ रखे हैं। फिर वैश्वीकरण की दिशा में भारत सरकार ने 1991 में क्या प्रमुख बदलाव किए तो उसको लिखना है, 1991 में क्या बदलाव हुआ। फिर विश्व व्यापार संगठन क्या है या कब और क्यों स्थापित किया गया बताना है। फिर वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किन चीज़ों का प्रवाह देखा जाता है वो करना है। फिर श्रम कानून को लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा ये आपको करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है 5 मार्क्स के लिए। तो जो क्वेश्चन कंफर्म है 4 क्वेश्चन बताएगा, उसमें से 1 क्वेश्चन आप उदारीकरण वाला छोड़ सकते हैं, तो फिर बाकी रहा आपके पास 3 क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना ही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चंस बताया गया सभी को अच्छे से नोट कर लो, नोट करने के बाद आप उसके प्रिपरेशन में पढ़ाई में लग जाओ ताकि आपकी जो पढ़ाई है बेहतर तरीके से अच्छे से हो पाए। डेफिनेटली आप देखना प्री बोर्ड वगैरह में आप खुद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे तो आपको खुद पता चलते जाएगा कि आपकी तैयारी कितना हुआ है, और उसी तैयारी को जाँचने के लिए हम आपको सैम्पल पेपर जरूर प्रोवाइड कराएंगे बिफोर एग्जाम ताकि आप अच्छे से खुद का सेल्फ टेस्ट ले पाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी निचोड़ जो है कम्प्लीटली जो है ख़त्म होता है, ठीक है। अब बस आप तैयारी कितना हो गया उसको बताना, फिर उस आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जो है न्यू वीडियो बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।